बीते दिनों दुर्ग बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई, जो कि बघेरा बिजली विभाग का अस्थायी कर्मचारी था। बिजली विभाग दुर्ग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक बिजली विभाग बघेरा का स्थायी कर्मचारी था। काम के दौरान 25 फीट ऊंचे खंभे में उसे चढ़ा दिया गया था, वह भी बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के साथ। इसी वजह से वह करंट की चपेट में आया और नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवक का नाम धनंजय ढीमर बताया जा रहा है, जो कि चंदखुरी गांव का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मिली जानकारी के अनुसार ठेके द्वारा बतौर मुआवजा 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है, पर परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे हैं। काफी देर बाद कोतवाली थाना पुलिस की समझाइश के बाद मृतक के परिजन माने। इधर बिजली विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि जांच पड़ताल के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। बघेरा सब स्टेशन विद्युत विभाग का है, वहाँ पर जो है मरम्मत कार्य चल रहा था, जहाँ पर मरम्मत कार्य के दौरान 11 kV विद्युत प्रवाह जो चल रहा था, उस पर जो है कार्य करने के दौरान में एक व्यक्ति जिसका नाम धनंजय ढीमर है, वो उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।